दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉटसन और क्रिक मॉडल डीएनए का। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, अगर आप हाई स्कूल में हैं तब भी काम का है, इलेवेंथ में हैं तब भी काम का है, और ट्वेल्थ में हैं तब भी काम का है। सर यहां तक आप बीएससी वगैरह भी कर रहे हो वहां भी मिल जाता है, यानी आप समझ लीजिए एक तरीके से यूनिवर्सल टॉपिक है और आपको आना ही चाहिए डीएनए का, वॉटसन क्रिक मॉडल, अगर आपके पास बायोलॉजी है। ठीक, देखिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप खुद अपने की पॉइंट छांटिए, बायोलॉजी है सर ठीक है या फिर सामाजिक है, इस टाइप की चीजें आप की पॉइंट बनाइए और तब याद करिए, वरना इतना लंबा लॉन्ग, लोग कहते हैं सर इतना लंबा लॉन्ग है कैसे याद करेंगे, तो की पॉइंट। लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सर की पॉइंट भी आप ही छांट दीजिए, हमें बस याद करने के लिए इतना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पेपर आने वाले हैं। तो हमने आपके लिए डिटेल छांट रखा, कायदे से आपको समझाने वाले हैं। चित्र सर इसका हम लगा देंगे आखिरी में, इस तरीके का चित्र बनता भी हम आपको बता देंगे ठीक है। और सर थोड़े दिन बाद हम लोग डिजिटल बोर्ड पे होंगे तो सर चित्र वगैरह भी सब यहां पर आपको दिख जाएगा, खैर क्योंकि चलिए देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले जो डीएनए का वॉटसन क्रिक मॉडल है वो वॉटसन एवं क्रिक ने दिया 1953 में दिया। इस तरीके से आप की पॉइंट छांटेंगे और बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। और लिखने का क्या है सर, डीएनए का वॉटसन एवं क्रिक मॉडल वॉटसन एवं क्रिक द्वारा 1953 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें इन्होंने इसकी द्वि कुंडलित संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया। द्वि कुंडलित क्या होता है पहले यह समझना पड़ेगा सर। कुंडली का मतलब होता है जहां पे फेर है, जैसे हमने तार लिया, तार को एक बार लपेटा उसे कहते हैं लूप, और तार को कई बार लपेटेंगे उसे कहेंगे कुंडली। क्या कहेंगे? कुंडली। दो कुंडली थी यहां पे द्वि कुंडलित का मतलब डबल कुंडली चलेगी ठीक है सर। इस तरीके का चित्र बनेगा, हमने आपको पहले दिखा दिया, इस तरीके से बनाते चले जा रहे हैं ये ऐसे करके, समझ गया सर आप। इसका चित्र भी हम लगा देंगे एक्चुअल में, आप देखिए बनना। अब जरा देखिए इसमें होता क्या, आप किस तरीके से की पॉइंट्स बनाएंगे। आपने ये लिखा, उसके बाद आपने क्या लिखा कि इसी में आगे कि डीएनए जो है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखलाओं का बना होता है जो एक दूसरे के समांतर होती हैं। सर पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है बहुत सारी ठीक है। एक लग होता, एक मर होता है, दुई मर होता है, यानी दुई लग होता है, और पॉलीमर होता है यानी बहुत सारे ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या आपने लिखा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डीएनए का वॉटसन एवं क्रिक मॉडल वॉटसन एवं क्रिक ने 1953 में दिया और इसकी द्वि कुंडलित संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया, लिख दिया सर आपने। फिर क्या लिखा, इसके अनुसार डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है जो एक दूसरे के समांतर होती है। जब आपने लिख दिया पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का होता है, यानी पॉली का मतलब बहुत सारी, इसका मतलब इसमें प्रत्येक श्रृंखला में, ये देखिए प्रत्येक श्रृंखला में बहुत सारे, यहां लिख सकते हैं लाखों, तो प्रत्येक श्रृंखला में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी कैसे, क्योंकि पॉली न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला, तो पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स मतलब इसकी प्रत्येक श्रृंखला में बहुत सारे यानी लाखों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ठीक है सर। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो तीन से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं, क्या क्या, डीऑक्सीराइबोसर्करा होती है, दूसरा फास्फेट मूलक होता है, और तीसरा नाइट्रोजन क्षारक होता है। आप बिल्कुल आराम से लिखते हैं, सबसे पहले आपने लिख दिया प्रत्येक श्रृंखला में लाखों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तथा न्यूक्लियोटाइड्स निम्न से मिलकर बने होते हैं। नंबर एक आपने डाल दिया सर डीऑक्सी राइबो सरकरा, नंबर दो फास्फेट मूलक, और नंबर तीन नाइट्रोजन क्षारक ठीक है। फिर आपने नई लाइन से एक लाइन लिख दी कि जो नाइट्रोजन क्षारक, देखिए इनके बारे में तो कुछ हमने लिखा नहीं है, इनके बारे में तो आपने हेडिंग डाल ली नाइट्रोजन क्षारक और लिख दिया नाइट्रोजन क्षारक, ये हमने एरो बनाया। देखिए जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के साथ हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, लिख दिया आपने नाइट्रोजन क्षारक पॉलीन्यूक्लियोटाइड से हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं तथा निम्न क्षारकों से मिलके, इनमें दो क्षारक होते हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजन क्षारक आपने नंबर ए हेडिंग डाली एक प्यूरीन क्षारक होता है, और नंबर बी डाली एक पिरिमिडीन क्षारक होता है ठीक है। तो आपने लिख दिया नाइट्रोजन क्षारक किससे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, और दो क्षारक होते हैं इसमें कौन कौन से, प्यूरीन और पिरिमिडीन। फिर आपने लिख दिया प्यूरीन में एडिनिन और ग्वानिन क्षारक होता है, जबकि पिरिमिडीन में साइटोसिन और थायमिन क्षारक होता है। पूरी वीडियो डिटेल में देखिए, यही याद हो जाएगा, अभी आप देखिएगा। इन चारों को मिला के हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, इन चारों को मिला के ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। उसके बाद देखिए एडिनिन और थायमिन, ये पहला और आखिरी वाला, ये एडिनिन और थायमिन ये आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, और सी और जी यानी साइटोसिन और ग्वानिन ये आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं ठीक है सर। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो दो डंडे टाइप बनते हैं, ये जुड़े तो एक एक बना है, एक और, तो डबल एक डंडे टाइप संरचना बनाते हैं, लिख दिया, जिसकी संरचना सीढ़ी के समान बन जाती है। इस तरीके से मान लिया ऐसे बना दिया सर, ऐसे करके, और ये ऐसे करके, ये इस तरीके का चित्र, इस तरीके से यहां दिखाते हैं, मान लिया ये है, ये बना इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं, तो सीढ़ी के समान एक संरचना बन जाती है। और इस सीढ़ी में भैया कितने डंडे होते हैं, दो, एक ये एक ये, तो इसमें एक होता है, इस सीढ़ी के समान संरचना में शर्करा और फास्फेट होता है, शर्करा और फास्फेट होता है ठीक है।
इसके जो अणु हैं वो सर्पिल रूप में होते हैं। सर्पिल मतलब भाई ऐसे टाइप के वाले नहीं, तो सर्पिल रूप में होते हैं। और इस सर्पिल का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और इसका व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया? सबसे पहले तो आपने हेडिंग डाली डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल, उसके लिख दिया वाटसन क्रिक मॉडल ने प्रस्तुत किया, एक दो लाइनें लिखी सर, उसके बाद आपने इसका चित्र बना दिया। कुछ लोग कहेंगे सर जी चित्र कहां मिलेगा? आप कहीं भी गूगल पे सर्च करिए डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, आपको चित्र मिल जाएगा। वरना इसी वीडियो के आखिरी में जहां वीडियो खत्म होगी वहां पर हम लगा देंगे, आराम से रोक के बना लीजिएगा सर। ठीक है, फिर भी दिक्कत है, आप हमसे एप्लीकेशन को हमारी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां चैट सपोर्ट पे बात कर सकते हैं, वहां भेज देंगे सर। और ज्यादा दिक्कत है, आप हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। कोर्स आपने खरीद लिया एक बार, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाएगा, आप आराम से व्हाट्सएप पे भी हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है सर, इसका महत्व क्या है? महत्व क्या, लोग कहते नहीं अरे मेरा लड़का है कि सर डीएनए टेस्ट करवाओ इसका, तो डीएनए टेस्ट किया, आनुवांशिक जो लक्षण है वो पता चलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा सीआईडी वगैरह होता, किसी के चेहरा रहा बिगड़ गया, लाश नहीं पहचान में आ रहा, घर वालों का डीएनए टेस्ट करवा के देखा, भाई मिल रहा है, अगर मिल गए भाई तुम्हारी लाश है भाई ले जाओ अपनी, समझ गए आप। तो डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए के द्वारा आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने, आनुवांशिक लक्षण पिता से पुत्र में, पुत्र से उसके पुत्र में, इस तरीके से। दूसरा, कोशिका की जो जैविक क्रियाएं होती है उनका नियमन करता है, कोशिका की जैविक क्रियाओं का नियमन करता है। और फाइनली डीएनए आरएनए का संश्लेषण करता है। ठीक, यानी आरएनए को भी यही निर्माण करता है, यही बनाता है। अब अगर हम शॉर्ट में समझें सर, याद कैसे करेंगे? देखिए सर, सबसे पहले डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल कब दिया? 1953 में दिया। कब दिया? 1953 में। साथ में बोला करिए, याद करा रहे, 1953 में दिया। क्या कहा? द्वि कुंडली संरचना होती है। कैसी होती है? द्वि कुंडली संरचना होती है। कैसी होती है? द्वि कुंडली संरचना होती। फिर इन्होंने क्या कहा? इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला होती जो एक दूसरे के समांतर होती है। कब? मेरे साथ में बोलिए, कब दिया? 1953 में। कब दिया? 1953 में। कब दिया? 1953 में। क्या कहा? द्वि कुंडलित होती संरचना। कैसी होती है? द्वि कुंडलित। और क्या कहा? इस कुंडलियों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला होती है। ये श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर होती है। पॉली लगा हुआ, पॉली माने बहुत सारे, यानी प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते, देखिए ये लिख दिया। ठीक, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन होता है? न्यूक्लियोटाइड में होती है डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, फास्फेट मूलक होता है, और नाइट्रोजन क्षारक। बताइए सर, पॉली न्यूक्लियोटाइड के अंदर लाखों न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड में कितने आदमी? तीन। कौन कौन से बताइए? फास्फेट मूलक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक जो है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड से काहे से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक में कौन कौन आते हैं? दो आदमी, प्यूरीन और पिरिमिडीन, प्यूरीन और पिरिमिडीन, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन में दो, पिरिमिडीन में दो। प्यूरीन में कौन कौन? एजी। प्यूरीन में एजी, प्यूरीन में एजी। ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन। प्यूरीन एजी, प्यूरीन एजी, प्यूरीन एजी, प्यूरीन एजी। पिरिमिडीन में कौन कौन? सीटी, पिरिमिडीन सीटी, पिरिमिडीन सीटी। सी से साइटोसिन, टी से थायमिन, साइटोसिन थायमिन, साइटोसिन थायमिन। ठीक है सर, इन चारों को मिला के ये हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। उसके बाद जो पहला वाला ए है और टी है, ये आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। सी और जी है, ये आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। इनकी जो संरचना है पूरी एक सीढ़ी के समान होती है, इस तरीके से कि ढेर सारे बने हुए हैं सर ये, ऐसे करके आपस में जुड़े होते हैं तो एक सीढ़ी के समान संरचना बनाते हैं। जो संरचना होती है वो सांप के आकार, जैसे कि अणु जो है वो सर्पिल रूप में सांप के आकार में संरचना बनती है, इस तरीके से सर। ठीक है, और इनका व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। नाइट्रोजन क्षारक के बीच की दूरी कितनी होती है? यानी जैसे ये है, इनके इनके बीच की दूरी, इनके इनके बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है सर, आप इसका चित्र बना देंगे, महत्व में आप क्या लिख देंगे कि ये आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं, कोशिकाओं की जैविक क्रियाओं का नियमन करते हैं, और डीएनए जितने भी होते हैं सब आरएनए का संश्लेषण करते हैं। बिल्कुल सरल। और हम ये आपको यहां पर यहां को याद कराने सिखाने नहीं आए, हम आपको ये सिखाने आए हैं कि याद किया कैसे जाता। अब देखिए यहां पर आपने क्या लिखा? लॉन्ग, अरे यार इतना लंबा लिखा, ऐसे नहीं है सर, की पॉइंट्स बनाए देंगे सर। यहां पर आराम से देख लिया आपने एक बार, और बस अपने नोट्स, इसी तरीके के नोट्स भी बनाए, चित्र बना लिया, चित्र के नोट्स पे प्रॉपर कॉपी बनाई है, उसी पे आपने चित्र बना लिया। चित्र बनाने के साथ इस तरीके के की पॉइंट्स के साथ में, वरना इतना लंबा पवार दो पेज छाप लिए, पेपर के टाइम रो रहा है यार अब हम कैसे पढ़ेंगे, ऐसे क्या है, बस फटाफट देगा। किन्ने दिया मॉडल? वाटसन क्रिक ने दिया। कब दिया? 1953 में दिया। क्या कहा? द्वि कुंडली संरचना होती है। द्वि कुंडली संरचना में क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में कितने आदमी होते हैं? तीन। डीऑक्सीराइबोस, फास्फेट मूलक, नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक में कितने होते हैं? दो। पहला कौन सा? प्यूरीन। दूसरा कौन सा? पिरिमिडीन। प्यूरीन में कितने होते हैं? दो एजी। पिरिमिडीन में कितने होते हैं? दो सीटी। ठीक, ए और टी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से, जी और सी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से, जे इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से, चारों को मिला के क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यही सारा लिखा हुआ। व्यास कितना?
कितना, सांप के आकार की होती है, सीढ़ी पूरी बन जाती है, जो बीच का जो व्यास होता है कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम, बीच की दूरी कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्या करते हैं, डीएनए के जो लक्षण होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं, कोशिकाओं की जैविक क्रियाओं का नियमन करते हैं और आरएनए को बनाते हैं। क्या है सर इसमें, हवाबाजी है बिल्कुल, आराम से आपने बनाया एक चित्र और कायदे से पूरा लिख दिया, लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। तो आराम से थोड़ा सा कंटेंट पे आप खुद भी मेहनत कीजिए, अपनी खुद की ट्रिक्स बनाइए और फिर भी कोई दिक्कत हो रही है सर, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरे कोर्सेज हैं वहां पे, आराम से कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं और कायदे से आप पढ़ सकते हैं इसी तरीके के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक। और फिर भी अगर आपको लगता है कि दिक्कत, हम कोर्स भी नहीं खरीद पाएंगे, तो सर यही वीडियो के नीचे कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। इस चैनल पर भी बिल्कुल फ्री कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं, एक बार नीचे कमेंट करिए और फिर देखिए आपको किस तरीके से आपको वीडियो के जरिए आपकी मदद की जाती है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही, उम्मीद करते हैं समझा पाए होंगे। याद करते रहिए, अपने आप की वर्ड्स बनाइए, चीजों को याद करने की कोशिश करिए, नोट्स बनाइए, इसका चित्र हम लगा देंगे अभी वीडियो के आखिरी में। बस दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।